होता, कभी हम रसूलुल्लाह की नाफरमानी ना करते। आज पूरा मुल्क रो रहा है, सारी आवाम रो रही है, महंगाई का रोना रोया जा रहा है। मैं कहता हूं यह सजा है, फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रही अन तुसीबहुम फितना। रब ने कह दिया था जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा अल्लाह दुनिया में फितने में डाल देगा। हमने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत किया, जलील हो रहे हैं। वजीर खजाना से लेके बड़े बड़े वज़रा सर जोड़ के बैठे हैं, माशी माहरीन सर जोड़ के बैठ के हैं। मैं कहता हूं तुम जितने चाहो जतन कर लो, कभी तुम गुर्बत से निजात नहीं पा सकते, महंगाई से निजात नहीं पा सकते, जब तक तुम सूद की लानत को नहीं छोड़ोगे, जब तक IMF से सूद पे कर्जा लेते रहोगे। जो जी चाहो हुक्मरानों कर लो, कभी तुम महंगाई की दलदल से नहीं निकल सकते और ना इस आवाम को निकाल सकते हो, जब तक सूद की लानत को छोड़ ना दो। हुकूमत ही नहीं, हम सारे मुजरम हैं। बैंकों से सूद पे रकम हम लेते हैं। हम रसूलुल्लाह के वफादार हैं? नहीं। गाड़ी हम बैंक से सूद से पे ले रहे हैं, सूद पे बैंकों से रकम लेके जिम्मेदारे किए जा रहे हैं, फिर दुआएं हो रही हैं कि अल्लाह हमें उम्र फारूक जैसा हुक्मरान नसीब कर दे। ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी इसलाह करना होगी, तुम्हें अपना अपनी इसलाह करना होगी, फिर नेक हुक्मरान मुयस्सर होंगे। हम खुद बुरे बन जाए और हुक्मरान नेक मिल जाए, ये नामुमकिन है। एक ही रास्ता है गुरबत से निजात का, एक ही रास्ता है महंगाई से निजात का। सूद का लेन देन पूरे मुल्क में खत्म किया जाए, बंद किया जाए, ज़कात का निजाम नाफ़िज़ किया जाए। पूरी जुर्रत के साथ जितना अमीर तबका मालदार तबका है उनसे ज़कात ले करके गुराबा में तकसीम की जाए, गुर्बत नहीं रहेगी। ज़कात को तुमने छोड़ा, टैक्स का निजाम लेके आए, फिर बड़े बड़े अफीसर भी टैक्स चोर निकले। इस महंगाई में पिस्ता तो गरीब है, बड़े अमीर ने बड़े अफीसर ने उसके तल्लुकात है, उसकी पहुंच है, उसकी अप्रोच है, वो तो टैक्स माफ करवा लेता है। वो ताल्लुकात की बुनियाद पे, वो वजारत में उसके रिश्तेदार हैं, आला मनसब पे, आला ओहदों पे, टैक्स के महकमे में उसके जानने वाले, वो टैक्स नहीं देता। टैक्स तो गरीब देता है, साबुन की टिकिया भी खरीदने जाए उसमें भी टैक्स दे रहा है। और तुम कहते हो हम आवाम को रिलीफ देते हो, ये सारे गद्दार हैं। अल्लाह की कसम है, अगर निजात चाहते हो अल्लाह और उसके रसूल के वफादार बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत और महंगाई सारी खत्म कर दे। जितना हम रोना इन हुक्मरानों के लिए रोते हैं, काश इतना हम अपने रब के सामने आंसू बहाएं, अपने गुनाहों पे नदामत से, शर्मिंदगी से आंसू बहा के माफी मांगे, अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता कर दे।